हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रिंस है। आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक प्रिंस एडियन में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप वोटर आईडी कार्ड घर बैठे आप मोबाइल से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत इजी है। आजकल आप मोबाइल से ही अपना वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया मुझे, 1000 सब्सक्राइबर हमारे आज कंप्लीट हो गए हैं। आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं। ऐसे ही हम आगे 50,000, 1 लाख आगे बहुत सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं हमें। तो आप अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा एंड वीडियो को पूरा देखिए। आज हम वोटर आईडी कार्ड बनाना सीखते हैं, ठीक है, और मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा जल्द से जल्द। तो वोटर आईडी अप्लाई करने के लिए हमें वोटर हेल्पलाइन नाम का एक एप्लीकेशन, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, उधर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं जाके इजीली। एंड आप प्ले स्टोर में भी सर्च करेंगे वोटर हेल्पलाइन, ठीक है। रुको, मैं आपको दिखा देता हूँ सर्च करके। वोटर हेल्पलाइन, ठीक है, इतना सर्च करेंगे। ये आ गया, अपडेट मांग रहा है, अपडेट कर देता हूँ। चलो आपके सामने ये आपका इंस्टॉल मांगेगा तो इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर इंस्टॉल हो पहले से तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको नॉर्मल ये इसमें कर लेना है ओपन, ठीक है। ये इंस्टॉल होने के बाद हम इसको ओपन करेंगे, ये हो गया ओपन, ठीक है। इस तरीके से खुल जाएगा। आपको जाना है वोटर रजिस्ट्रेशन नाम के ऑप्शन पे जो फर्स्ट नंबर पे है, इसमें चले गए आप। फिर आपको जाना है न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6 करना होता है हमें, फॉर्म 6 फिल करना होता है न्यू वोटर आईडी अप्लाई करने के लिए, करना है क्लिक। अब ये मांगेगा मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड आपसे। अगर आप न्यू यूजर हैं तो न्यू यूजर पे क्लिक कर देंगे, आप न्यू यूजर ही होंगे ज़्यादा चांस है, तो न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे। न्यू यूजर पे क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है। आपको सिंपली वैसे न्यू यूजर में कुछ नहीं करना है, आपको न्यू यूजर पे क्लिक करना है, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे एंड डिटेल फिल करेंगे, पासवर्ड बनाएंगे, एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे, सिंपली यूज कर सकते हैं। और बाकी मैं आपको इधर से स्टार्ट करके बताता हूँ कि आप आईडी बनाने के बाद कैसे वोटर आईडी अप्लाई करेंगे। तो मैं सिंपली इधर मोबाइल नंबर डाल देता हूँ अपना, ये मोबाइल नंबर एंड ओटीपी डालने, मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड डालने के बाद आपके मोबाइल में एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आप फिल कर देंगे, ठीक है। फिर लॉगिन नाउ पे क्लिक करेंगे, लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा। वापस वोटर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6 पे क्लिक करना है। इस तरीके से खुल जाएगा, माय नेम इज वोटर मित्रा, इस तरीके से आपको नॉर्मली आएगा हेलो। लेट्स स्टार्ट पे आपको कर देना है क्लिक। लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ये पूछेगा, आर यू अप्लाइंग फॉर द वोटर आईडी फर्स्ट टाइम? तो आपको यस पे क्लिक करना है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास वोटर आईडी नहीं है, ठीक है। और अगर आपके पास है वोटर आईडी, कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं या फिर क्या बोलते हैं उसको, न्यू या हाँ न्यू बनवाना चाहते हैं आपका, जैसे खो गया है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। बाकी हम सीख रहे हैं कि आपको न्यू वोटर आईडी कार्ड कैसे बनाना है। तो न्यू वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए हमें सिंपली यस पे ही क्लिक करना है एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको अपना स्टेट फिल करना है, स्टेट यूपी है हमारा, डिस्ट्रिक्ट बरेली, ये सब डिटेल आपको फिल करनी है। मैं आपको फिल करके दिखा देता हूँ, जो भी आपका हो वो आपको फिल करना होगा, ठीक है। ये बरेली हमारा है, डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है जिसका आप वोटर आईडी अप्लाई कर रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड, ये मैं कुछ भी कर देता हूँ अभी नॉर्मली। इसमें डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ, डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ में आपको आप अपना पैन कार्ड लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगा सकते हैं, और ये सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, 12th का सर्टिफिकेट, इंडियन पासपोर्ट, अदर जो भी आप प्रूफ में लगा सकें वो आप लगा दीजिएगा इनमें। तो सिंपली जैसे सबके पास आधार कार्ड तो होता ही है, ज़्यादातर लोगों के पास आधार कार्ड होता है,
तो आधार कार्ड से ही ज़्यादा इजी रहेगा, तो आप भी मैं सजेस्ट करूँगा आधार कार्ड ही अपलोड करें। तो आधार कार्ड ही मैं इस पर सेलेक्ट कर देता हूँ, आधार कार्ड से ही हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, सिंपली अपलोड वाले ऑप्शन पे जाके आपको अपना आधार कार्ड अपलोड कर देना है इसमें। ठीक है, तो मैं अपलोड कर देता हूँ अपना आधार कार्ड। अपलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका गैलरी खुल जाएगा, एंड उधर से आप इसको पिक कर लेंगे। ठीक है, ये ले लिया है इसने। बाकी मैंने आधार कार्ड नहीं, ये फ़ोटो कर दी अपलोड, नॉर्मली आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरे अप्लाई हो चुका है ऑलरेडी और बन भी चुका है वोटर आई डी कार्ड। तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये आपका अपलोड पिक्चर मांगेगा, जो आप पिक्चर लगाना चाहें वो आप लगा दीजिएगा। जैसे मैं पिक्चर जैसे आप लगाइएगा, जो भी पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाइएगा अपनी। ठीक है, बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए, मतलब कोई पीछे बैकग्राउंड नॉर्मल होना चाहिए, मतलब कोई ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। और इधर आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड कर दिया अपना। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करने के बाद इधर आप जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे अपना, एंड नेम अपना डाल देंगे, जो भी आपका नेम होगा। मेरा प्रिंस है। और ये देखिए, आप ये चीज़ नोटिस करिएगा ध्यान से। ठीक है, इसमें जैसे ही आप नेम अपना फिल करेंगे ना, तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये ऑटोमेटिक देखिए हिंदी में ले लिया ऑटोमेटिक इसने। और इधर आप अपना सरनेम डालेंगे, और अगर नहीं है सरनेम तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है, तो सरनेम मेरा नहीं है, सरनेम नहीं डालता मैं अपने नाम के आगे। आधार कार्ड में नॉर्मल प्रिंस ही है, तो मैं नॉर्मल प्रिंस ही फिल करूँगा, सरनेम नहीं डाल रहा हूँ। इधर आपका आधार डिटेल डालिए, आधार डिटेल्स में आधार नंबर मांग रहे हैं, तो आधार नंबर आपको फिल कर देना है। मैं आधार नंबर फिल कर देता हूँ इसमें। आधार नंबर फिल हो चुका है। इधर आपको मोबाइल नंबर फिल करना होगा अपना, मोबाइल नंबर फिल कर देता हूँ मैं। मोबाइल नंबर फिल हो चुका है ये। इधर ईमेल आईडी फिल करनी है आपको अपनी। ठीक है, और इधर डिसेबिलिटी टिक एप्रो राइट बॉक्स इफ एनी, ये उसके लिए है अगर आप डिसेबिलिटी में आते हैं, डिसेबल में आते हैं, उसमें विकलांग में आते हैं अगर आप, तो आप इसमें से कोई फिल कर सकते हैं। अगर नहीं है, नॉर्मल है, तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे आपको, किसी पे फिल टिक नहीं लगाना है, नॉर्मली नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, इधर आपको नेम ऑफ रिलेटिव, नेम ऑफ रिलेटिव मीन्स अपने फादर का नेम डाल सकते हैं, और अगर आप मैरिड फीमेल हैं तो अपने हस्बैंड का नेम डाल सकती हैं नेम ऑफ रिलेटिव्स में, और अगर फादर का नेम या हस्बैंड का नाम ये इसमें फिल कर सकते हैं नेम ऑफ रिलेटिव में। तो मैं डाल देता हूँ अपने पिताजी का नाम। इसमें भी सिंपली वही है, आपको नेक्स्ट पे क्लिक जैसे ही करेंगे ऑटोमेटिक ले लेगा ये हिंदी में, और इधर सर नेम फिल कर देंगे। ये हो गया। हाँ, इधर देखिए, ऑप्शन आ गया इसमें, रिलेशन टाइप, फादर, मदर, वाइफ, लीगल गार्जियंस ऑफ, ये आ गया। ठीक है, तो इसमें मैं फादर सेलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि फादर का मैंने फिल किया नहीं हूँ रिलेटिव में। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे इसमें प्लीज। इधर अपना प्रॉपर एड्रेस फिल करना है, जो भी आपका आधार कार्ड में होगा वो एड्रेस आपको इधर डाल देना है। ठीक है, एड्रेस फिल करने के बाद आगे का प्रोसीजर आपको बताता हूँ। एड्रेस भी देखो, जैसे आप फिल करेंगे ना हिंदी में भी आ जाएगा। ठीक है, मैं नॉर्मली ऐसे फिल करके दिखा रहा हूँ आपको। जैसे मैंने फिल किया हाउस नंबर 600। ठीक है, ये इधर हाउस नंबर 600 आ गया। इस तरीके से आप ना वैसे कर सकते हो। और बाकी मैं आपको मेन चीज़ दिखा देता हूँ। ये आपको प्रॉपर एड्रेस फिल करना होगा। प्रॉपर एड्रेस फिल करने के बाद डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ, फिर सिंपली भाई प्रूफ में क्या देना है आपको, आधार कार्ड दे रहे हैं तो हम आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। आधार कार्ड सेलेक्ट करने में सिंपली इसमें आधार कार्ड भाई अपलोड कर देना है। आधार कार्ड अपलोड करने के बाद इधर रिलेशन टाइप में फादर लिख देता हूँ। ठीक है,
नेम ऑफ फैमिली मेंबर, डाल देंगे। और इधर EPIC, अगर आपकी फैमिली में किसी का भी वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, जैसे किसी का भी नहीं, अगर आप जैसे फादर का करवा रहे हैं तो फादर का अगर वोटर कार्ड बना हुआ है तो आप अपना फादर का नाम डालेंगे नेम ऑफ फैमिली मेंबर में और उनका EPIC नंबर डालेंगे। इससे आपका जल्दी कार्ड बन सकता है, जल्दी कार्ड बन जाएगा। और अगर आप ऐसे नहीं डालेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। वैसे मैं सजेस्ट करूँगा फिल कीजिए आप, इससे जल्दी बन सकता है आपका। बाकी नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तुरंत ही एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है। एप्लीकेशन नंबर किस तरीके का जनरेट होगा बता देता हूँ मैं। एप्लीकेशन नंबर देखिए इस तरीके से जनरेट होगा आपका, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये जो योर रेफरेंस आईडी जो आपको मिलेगी उससे आप ट्रैक कर सकते हैं कार्ड को इजीली, एंड उधर से आप डाउनलोड। बाकी अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पर न्यू हो, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वैसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।